हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट फैक्ट। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक को स्टडी करेंगे वो है रेसिप्रोकेटिंग पंप। हमने अपनी पिछले वीडियो में पंप की टाइप को डिस्कस किया था, जिसमें हमने पंप की टाइप को एक्सप्लेन किया था और हमने कहा था कि हम इनकी एक एक टाइप को एक्सप्लेन करते जाएंगे। पिछली वीडियो में हमने सेंट्रीफ्यूगल पंप को एक्सप्लेन किया था, तो आज की वीडियो में हम रेसिप्रोकेटिंग पंप को डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए, ताकि आपको लेक्चर की सही से समझ आए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब हम रेसिप्रोकेटिंग पंप को डिफ़ाइन करते हैं तो हम पहले यही कहते हैं कि ये बेसिकली क्या होता है। ये इट इज़ द टाइप ऑफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप की टाइप है। जिस तरह की इसकी दो टाइप्स होती हैं, पहले ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होता है, एक डायनामिक होता है। तो ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में एक रोटरी आ जाता है और एक रेसिप्रोकेटिंग आ जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये क्या है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की एक टाइप है। इसका क्या काम होता है इस पंप का, देखें। जिस तरह पहले हमको बताया कि पंप क्या होता है, एक सक्शनिंग डिवाइस होती है जो फ्लूड को मूव करने के लिए यूज़ होती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो मैकेनिकल एनर्जी होती है उसको हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं बाई पिस्टन सिलेंडर मूवमेंट। क्योंकि ये रेसिप्रोकेटिंग पंप है, तो रेसिप्रोकेटिंग से हम ये कह सकते हैं कि ये पिस्टन सिलेंडर मूवमेंट की वजह से हम इसको ये क्या करता है, फ्लूड को मूव कराता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो सिंपल हो गई इसकी डेफिनेशन। अब इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में देखते हैं। देखें फ्रेंड्स, जब हम रेसिप्रोकेटिंग पंप की कंस्ट्रक्शन को देखते हैं तो हम इसमें कहते हैं कि इसमें क्या होता है, एक पिस्टन होता है, सिलेंडर होता है, क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड वगैरह, सक्शन होता है, डिलीवरी पाइप होता है, सक्शन पोर्ट होती है और डिलीवरी पोर्ट या डिलीवरी वाल्व भी हम इसे कह सकते हैं। ये इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई। और जैसे जैसे फ्रेंड्स हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन करते जाते हैं, तो हम इसको मज़ीद कहते हैं कि या तो ये सिंगल एक्टिंग होगा या डबल एक्टिंग होगा। अब सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग से क्या मतलब, सिंगल एक्टिंग से मतलब ये होता है कि ये या तो एक सक्शन पाइप होगा और एक ही उसका डिलीवरी पाइप होगा। जबकि जो डबल एक्टिंग होता है उसका मतलब होता है कि सक्शन में भी जो दो पाइप लगे हुए हैं और डिलीवरी में भी दो पाइप लगे हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो इसकी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन होगी। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको इसकी वर्किंग तस्वीर से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सही से नज़र आ रही होगी। देखें फ्रेंड्स, असल में हो क्या रहा होता है, ये देखें। ये मैंने एक इसकी पिक्चर ड्रा की हुई है। यहाँ से ये हमारे पास फ्लूड है, फ्लूड यहाँ से इन होगा। ठीक है दोस्तों, ये इसकी क्या होगी, सक्शन वाल होगी। ये इसकी हो गई डिलीवरी वाल, यहाँ से फ्लूड इन होगा, यहाँ से ऐसे जाएगा। अब मेन क्या काम क्या है, ये सिलेंडर हो गया, ये उसके बाद क्या होगा हमारे पास पिस्टन रॉड, और ये हमारे पास हो गया क्रैंक। ठीक है दोस्तों, अच्छा जो प्रोसेस इसका जब शुरू होता है, इसकी वर्किंग कैसे होती है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कि देखें दोस्तों कि जब ये प्रोसेस स्टार्ट होता है तो ये बेसिकली जो क्रैंक होती है ये किसी भी ड्राइव यूनिट के साथ कनेक्ट होती है। ठीक है दोस्तों, जब वो मोटर होगी या कोई और चीज़ होगी, ड्राइव यूनिट जब वो चलता है, जब वो स्टार्ट होता है, तो ये क्या करता है कि इसकी ये जो मूवमेंट है ये हमारे पास क्या हो गया, इसको हम कनेक्टिंग रॉड बोलते हैं, और ये हमारे पास पिस्टन रॉड हो गया, ये हमारे पास पिस्टन हो गया। ठीक है, ये इसके साथ कनेक्ट है। अब जैसे ही हमारे पास ड्राइव यूनिट चलेगा तो ये हमारे पास क्या होगा, कनेक्टिंग रॉड, ये इस तरह से यहाँ से ऐसे मूव करना शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे ही ये यहाँ से मूव करेगा तो ये जो हमारे पास पिस्टन रॉड है ये इस अपनी तरफ इसको खींचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या करेगा, जब ऐसे मूव करता जाएगा तो ये वाला जो हमारे पास ये पिस्टन रॉड है, ये वाली जो चीज़ है, ये ऐसे आगे की तरफ इस तरफ मूव करती जाएगी। अच्छा, जब ये इस तरफ मूव करती जाएगी तो ये वाला जो एरिया होगा उसमें क्या होगा, सक्शन प्रोड्यूस हो जाएगी। ऐसे जब मूव करेगी तो इस एरिया में सक्शन हो जाएगी। जैसे ही सक्शन होगी तो ये वाली जो हमारे पास जो सक्शन वाल है, सक्शन वाल ये ओपन हो जाएगी और फ्लूड यहाँ से इंटर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास पिस्टन जब आगे मूव करेगी, पिस्टन रॉड के साथ सक्शन क्रिएट होगी, फ्लूड इसमें इन हो गया। अब जब यहाँ पर पहुँचेगी, ये वाला यहाँ पर पहुँच गया, अब यहाँ से जब इस जगह पे ये वाला पहुँचेगा क्रैंक जो है कनेक्टिंग रॉड, अच्छा जब ये रिवर्स की तरफ मूव करेगा, मीन्स जब यहाँ से ऐसे आ गया, इधर पहुँच गया मैक्सिमम पे, और जब ये मिनिमम पे आएगा तो ये वाला जो हमारे पास हिस्सा है ये इस तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा। जैसे ये जब ये यहाँ तक आ चुका होता है तो सारा फ्लूड इसमें इंटर सिलेंडर में इंटर हो चुका होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही जब ये यहाँ पे आ गया, सक्शन हो गया, अब यहाँ से जब ये वापस इस जगह पे आएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सिलेंडर इसको नीचे से पुश करेगा।
पीछे से जब पुश करेगा जो इसके अंदर जो फ्लूड होगा वो क्या करेगा, ये वाली जब इंटर आएगा तो ये वाली सक्शन वाल्व जो है बंद हो जाएगी। अब डिलीवरी के लिए क्या होगा, ये डिलीवरी साइड ओपन हो जाएगी तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, फ्लूड बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। सिंपल प्रोसेस ये है कि ये इसकी क्रैंक की मूवमेंट के साथ हो रहा होता है। ऐसे जब क्रैंक मूव करेगी ये आगे की तरफ मूव कर जाएगा, जब यहाँ से इस तरफ आके ये ऐसे पीछे नीचे की तरफ मूव करेगी तो ये इसको पुश करेगा, जो हमारे पास पिस्टन रॉड है इसको पुश करते ही ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाली जो डिलीवरी पोर्ट है या डिलीवरी वाल हम इसे कह सकते हैं, ये ओपन हो जाएगी और यहाँ से फ्लूड जो है हमारे तरफ बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाएगा। ये दोस्तों सिंपल इसकी वर्किंग है, बिल्कुल इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सिंपल इसका क्या है कि ड्राइव यूनिट क्रैंक को मूव करेगा, पिस्टन सिलेंडर मूव पिस्टन मूव करेगा या पिस्टन रॉड मूव करेगा, उसी की वजह से फ्लूड आगे मूव करेगा। ठीक है दोस्तों, ये सिंपल हमारे पास रेसिप्रोकेटिंग पंप की वर्किंग होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सही से समझ